हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरबजीत राला। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे एंटी मॉर्कोनिक ऑफ रूल। तो इसका हम थॉरली मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद रिएक्शन। जो हमारे पास रिएक्शन है वो है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इफ़ वी ऐड हेयर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पारोक्साइड, तो देयर फोर वी विल गेट CH3CH2 CH2 एंड Br एंड CH3CH2, सॉरी CH3 एंड हेयर इज Br। सो मान लीजिए कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास मेजर बनेगा और इस वाले प्रोडक्ट को हम माइनर मानेंगे। तो दैट विल फॉर्म द इन माइनर क्वांटिटी। दैट मीन टू से सपोज इट इज 90% है और ये 10% बनेगा। तो हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि जो मॉर्कोनिक ऑफ रूल था उसमें तो यहाँ पे ये जो Br है वो यहाँ पे लगता है और H इधर लगता है। अब यहाँ पे ये उसके अपोजिट है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एंटी मॉर्कोनिक ऑफ रूल। सो लेट्स स्टार्ट विद मैकेनिज्म हेयर कि वाट इज एग्जैक्टली मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म। यू नो दैट हियर ऑन द एरो एज ऑलरेडी आई सेड यू दैट कि दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द रिएजेंट। द रिएजेंट्स आर द मोर एक्टिव देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट। सो सबसे पहले हमारे पास जो है पारोक्साइड की बात की जाएगी कि ये जो पारोक्साइड है, और यहाँ पे फ्रेंड्स यूवी लाइट की जरूरत पड़ेगी हमें। तो हम इसके ऊपर ही अब अल्ट्रा वायलेट लाइट गिराएंगे तो इट विल अंडरगो दी होमोलिटिक फिशन। दिस जो है हमारे पास पारोक्साइड है तो दैट विल अंडरगो दी होमोलिटिक फिशन। तो होमोलिटिक फिशन इज दैट कि ये जो बॉन्ड है अगर दो इलेक्ट्रॉन से बनाया है दैट विल अंडरगो द इक्वल डिवीजन। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्री रेडिकल के टू मॉलिक्यूल बन जाएंगे, टू मॉलिक्यूल ऑफ द फ्री रेडिकल। सो दिस इज द पारोक्साइड ब्रेक डाउन इन टू द फ्री रेडिकल। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस एंटी मॉर्कोनिक ऑफ रूल। सेकेंड स्टेप में देखें कि ये जो एच बी आर है, दिस इज हाइड्रोब्रोमिक एसिड। अब ये फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा, ये जो हमारे पास फ्री रेडिकल बने थे। सो दैट विल ऑल्सो अंडरगो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। सो देयर फोर इट विल अंडरगो दी होमोलिटिक फिशन रिजल्टिंग इन टू द फॉर्मेशन ऑफ हेयर ROH। ये तो हमारे पास जो है अल्कोहल बन जाएगी और साथ में क्या है, ये Br फ्री रेडिकल बनेगा। सो यहाँ पे ये RO के साथ ये वाला H फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाएगा तो बन जाएगा ROH और ये Br फ्री रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में देखें कि हमारे पास अब ये थर्ड स्टेप में आके प्रोपीन की बारी आएगी। ये प्रोपीन जो है इसकी फॉर्मेशन के बाद जो प्रोपीन रिएक्ट करेगा। सो यहाँ पे देखिए CH3, यहाँ पे CH2, CH2 एंड नाउ हम इसके अंदर इस ब्रोमीन की एडिशन करेंगे। तो फ्रेंड ये टॉपिक जो है यहाँ पे आके स्टेप बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि अगर ये ब्रोमीन जो है फ्री रेडिकल है, अब यहाँ पे यूवी लाइट, तो यहाँ पे भी हम ये रिएक्शन यूवी लाइट की प्रेजेंस में होगी। तो ये वाला बॉन्ड जो है सिग्मा है, ऊपर वाला कौन सा पाई है, तो दैट विल अंडरगो दी सेम इक्वल डिवीजन से होमोलिटिक फिशन से ब्रेक डाउन करेगा। तो जब ये होमोलिटिक फिशन से ब्रेक करेगा तो लेट्स सी, मैं इसका एक स्टेप यहाँ पे बताने लगा हूँ कि CH3, यहाँ पे CH, ये CH2, और अगर ये फ्री रेडिकल, ये वाला जो बॉन्ड ब्रेक करके एक फ्री रेडिकल इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये जो मैंने यहाँ पे Br डालने लगा था, मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ कि ये जो Br फ्री रेडिकल है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अगर तो ये Br फ्री रेडिकल इस कार्बन के साथ कंबाइन कर लेते हैं, इसके साथ, तो सी हियर दैट वी विल गेट CH3CH एंड CH2 एंड हियर इज Br। इस फ्री रेडिकल ने इस फ्री रेडिकल के साथ जब कंबाइन किया था, दो इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे तो बॉन्ड बन जाएगा। तो इसके इस कार्बन के ऊपर कौन सा यहाँ पे फ्री रेडिकल रह गया, तो जिस कार्बन के साथ ये फ्री रेडिकल है और इलेक्ट्रॉन है, दिस कार्बन इज अटैच टू हाउ मेनी कार्बन, टू कार्बन।
ये वाली कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, वन दिस टू वे द कार्बन विच कैरी द ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्री रेडिकल अटैच टू टू कार्बन, दिस इज कॉल्ड हेयर सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि ये बी आर जो फ्री रेडिकल है, और अगर वो मैं इस वाली कार्बन के साथ जोड़ देता हूँ, ये वाली जो ये वाला ब्रोमीन फ्री रेडिकल है, मान लीजिए कि वो इसके साथ कंबाइन कर जाए, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे ये वाला जो फ्री रेडिकल है इसके साथ कंबाइन कर गया, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे, वन इलेक्ट्रॉन दिस एंड वन इलेक्ट्रॉन दिस, तो यहाँ पे ये बी आर इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, CH2 फ्री रेडिकल। सी हियर दैट फ्रेंड्स, कि जिस कार्बन के ऊपर ये फ्री रेडिकल है वो कार्बन कितने कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, ओनली दिस कार्बन, ये वाली कार्बन सिर्फ इस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, तो इसको हम कौन सा फ्री रेडिकल कहते हैं, प्राइमरी फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे बेटा हम सारे फ्रेंड्स यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, दिस दी सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अगर ब्रोमीन जो है ब्रोमीन फ्री रेडिकल इस तरफ अटैक करे, तो यहाँ इस कार्बन के साथ अटैक करे तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल करता है बनता है, अगर ये यहाँ पे जुड़े तो यहाँ पे प्राइमरी फ्री रेडिकल बनता है। तो यू नो दैट सेकेंडरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ दी प्राइमरी फ्री रेडिकल। जो ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ये मोर स्टेबल होता है देन दैट ऑफ द प्राइमरी फ्री रेडिकल। तो इसीलिए हम जो मेजर प्रोडक्ट है, हमने स्टार्टिंग रिएक्शन में बताया था कि जो मेजर है वो ये वाला बनेगा। अब हमारे पास इसके अंदर दोबारा से हम एच बी आर डालेंगे, तो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट दैट विल ब्रेक डाउन, एंड इसका ये जो एच फ्री रेडिकल है, और ये एच फ्री रेडिकल इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो देयर फोर वाट वी विल गेट हेयर CH3, यहाँ पे ये एच फ्री रेडिकल और ये वाला एच जो कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल है, ये दोनों कंबाइन करके CH2 बना देंगे, यहाँ पे CH2 एंड ये है BR। तो इस वाले प्रोडक्ट को जो हमने जो कहा था कि ये हमारे पास जो है मेजर है, और ये वाला तो माइनर बनेगा ही क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी फ्री रेडिकल है। अगर इसके अंदर भी हम यहाँ पे एच बी आर डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट दैट विल ऑल्सो अंडरगो इन टू द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सो देयर फोर ये वाला जो एच जो है इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, इसके पास एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो दोनों आपस में कंबाइन करेंगे, तो देयर फोर वाट वी विल गेट हियर CH3 CH, हेयर इज बी आर एंड हेयर इज द CH3, सो ये वाला जो है वो माइनर है और ये वाला जो है प्रोडक्ट मेजर है। सो दिस इज दी ओवरऑल मैकेनिज्म ऑफ एंटी मोरकॉनिक ऑफ रूल। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट्स करें। थैंक यू फ्रेंड्स।